Hello student, I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I am teaching you EVS. Now I am going to take up chapter 7, International Routes. So students, this chapter is your EVS ke science portion ka chapter 7, which is name hai International Routes. Okay? Students, this chapter we have read. You have read it well and understand it. Today we will do its exercise. Okay? So exercise first you have to read it and understand it. After that, you have to fill your book and after that, your homework is आप इसे लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आपको दिया है टिक द करेक्ट आंसर. जो आंसर सही है उस पर टिक करेक्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट दिया है विच रोड गोज फ्रॉम कोलकाता टू पेशवर इन पाकिस्तान. तो स्टूडेंट्स, कौन सी रोड कोलकाता टू पेशवर जाती है पाकिस्तान में? तो ए ग्रैंड ट्रंक रोड, बी इंडो पाक रोड, सी इंडो तिब्बत रोड. तो स्टूडेंट्स, कौन सी जाती है? ए ग्रैंड ट्रंक रोड. तो आपको ए पे टिक लगाना है. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड है आपका विच ट्रेन इन जापान मूव एट नियरली 210 किलोमीटर पर आवर. जापान में कौन सी ट्रेन 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है? ए मेट्रो ट्रेन, बी बुलेट ट्रेन, सी स्पीड ट्रेन. तो स्टूडेंट्स, किस पे आएगा? बी बुलेट ट्रेन पे टिक करना है आपको. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड आपको दिया है इसमें विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, कौन सी लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है वर्ल्ड में? ए ओरिएंट एक्सप्रेस, बी ट्रांसशिपियन रेलवे, सी इंडियन रेलवे. तो स्टूडेंट्स, किस पे टिक लगाना है आपको? बी ट्रांसशिपियन रेलवे पे. ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ है पैनामा कैनल्स कनेक्ट द पैसिफिक ओशन विद द. जो पैनामा कैनल है वो किसको कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन और? ए अटलांटिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी एंटार्कटिक ओशन. तो स्टूडेंट्स, ए पे आपको टिक करना है. ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ है आपका विच इज द इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ इंडिया. इंडिया की इंटरनेशनल एयरलाइन कौन सी है? ए इंडियन एयरलाइन, बी एयर इंडिया, या सी जेट एयरवे. तो स्टूडेंट्स, आपको बी पे टिक लगाना है, एयर इंडिया. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सेकंड आपको दिया है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. फर्स्ट दिया है आपको मैन हैज ऑलवेज इंजॉय अबाउट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. तो इसमें आएगा रोमिंग, आर ओ ए एम आई एन जी, रोमिंग. मतलब लोगों को मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे इधर उधर घूमना पसंद है. ओके, सेकेंड है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव डैश बोर्ड टाइम डिस्टेंस. जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमारे टाइम और डिस्टेंस को क्या करते हैं? सेव करते हैं. तो ऐसे भी ई सेव आएगा. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड है द अर्ली मैन कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंस ऑन डैश विथ हिज गुड्स ऑन डैश. तो अर्ली मैन, जो पहले के लोग थे, वो लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कवर करते थे? अपने फुट से और जो अपने गुड्स को अपने सामान को कहाँ रखते थे? अपने शोल्डर पर. तो फुट और शोल्डर्स में आएगा. ओके, एफ डबल ओ टू फुट और शोल्डर, एस ओ यू एस एच ओ यू एल डी ई आर एस शोल्डर्स. ओके, फोर्थ है द अर्ली मैन माउंटेड शेल्स ऑन एक्सल व्हील थर्स मेकिंग अ. जो अर्ली मैन, पहले लोगों ने एल्स और एक्सल्स और व्हील से क्या बनाया था? कार्ट बनाया था, सी ए आर टी कार्ट. ओके, फिफ्थ इन द डैश सेंचुरी द स्टीम इंजन वॉज यूज टू पावर रोड व्हील्स. तो कौन सी सेंचुरी में स्टीम इंजन यूज किए गए थे पावर रोड व्हील्स के लिए? 19th सेंचुरी में. तो इसमें आपको 19th लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड आपको दिया है राइट टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स. यदि स्टेटमेंट सही है तो टी लिखना है, यदि गलत है तो फॉल्स लिखना है. ओके, फर्स्ट द बिजिएस्ट वाटर वे आर इन द पैसिफिक ओशन. क्या बिजिएस्ट वाटर वे पैसिफिक ओशन है? नहीं, फॉल्स. सेकेंड साइबर पास इज द वेल नोन पास बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. यस, ट्रू. थर्ड द स्विल कैनेट कनेक्ट इन द पैसिफिक ओशन टू अटलांटिक ओशन. नहीं, फॉल्स. फोर्थ वी हैव एयर इंडिया टू ट्रेवल विद इन द कंट्री. यस, ट्रू. फिफ्थ द रिवर गंगा इज एन इनलैंड वाटर वे. यस, ट्रू. सिक्स्थ देयर आर मेनी ट्रैफिक लाइट्स एंड शार्प बेंड्स ऑन स्पीड वे. यस, ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको इसमें दिया है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. तो ए और बी आपको टू कॉलम्स दिए हैं. ए के फर्स्ट पे लिखा है स्कूटर बस ट्रक, वो जाएगा बी के ई पे रोडवे. ए के सेकंड पे लिखा है ट्रेन मेट्रो, वो जाएगा बी के डी पे रेलवे. ए के सेकंड थर्ड पे आपको दिया है शिप लाइनर्स एंड क्रूज, वो जाएगा बी के बी पे वाटरवेज. ए के फोर्थ पे दिया है आपको एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, वो जाएगा बी के सी पे एयरवेज. ए के फिफ्थ आपको दिया इंडियन एयरलाइंस, वो जाएगा बी के ए पे डोमेस्टिक एयरलाइन. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई. अब आपको एक्सरसाइज इसमें फिल करनी है अपनी बुक में अच्छी राइटिंग में, और उसके बाद आपको होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स.